गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रदीप पहाड़ी ब्लॉग में। गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ, सुबह के बजे हैं 5:30, अभी बाहर अंधेरा है और मैं जा रहा हूँ सितार बागाटेल मोका। तो मैं चला गया हूँ अपने घर से और सुबह की चिड़ियों की चिकचिकाहट आप सुन रहे होंगे और यहाँ से 2 मिनट लगते हैं बस पकड़नी है मुझे। हल्के बादल भी लगे हैं इस साइड में, मौसम साफ है तो बने रहेगा ब्लॉग में। आई होप आज का ब्लॉग भी काफ़ी अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा। इस गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे देश विदेश में भी, कितने जोरों से चल रहा है गणेश चतुर्थी। सारे बैनर टाके हुए हैं, फ्लैग टांगे हुए हैं, तो आज बहुत भव्य। ये देखिए गाइस, हर घर जय हो गणेश भगवान जी की, जय हो। तो मैं अब जा रहा हूँ मेन रोड की ओर, जहाँ से मुझे बस पकड़नी है बागाटिल मौका के लिए। और सुबह सुबह का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, अभी भी लाइटें जली हुई हैं और 6 बजने वाले हैं। तो दगड़िया पहुंच गया हूं मेन रोड पे और सामने सी साइड समुंदर भी दिखाई दे रहा है। देखो दगड़ियों, मस्त। अब देखता हूं बस कितने देर में आती है, कितने देखिए कितना मतलब शोर भी नहीं है, सन्नाटा जैसा लग रहा है। ये मैं सुबह सुबह का टाइम है, यही रूट है बिच कैप टू कतरबन का। गन्ना की फसल कट चुकी है, अब दोबारा से गन्ना होगा इसमें। और ये वाला यहाँ के बस स्टॉप है, ये तो छोटे 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 घर जैसे हैं, ये बस स्टॉप होते हैं यहाँ के। और देखते हैं बस कब तक आती है। मैं भी, मेरे साथ में एक बॉक्स है, किसी कंसर्न में जा रहा हूँ तो वहाँ मैं इसे कैरी कर गई है। और बस में इतनी भीड़ भी नहीं है, बस सुबह सुबह बस तो खाली पड़ी बस ऑलमोस्ट। मैं पहुँच गया हूँ कतरबन। एक साइड में बस अड्डा है, एक साइड में मेट्रो ट्रैक है और अब मुझे यहाँ से जाना है बागाटेल मौका। बस मुझे शायद उस साइड से मिलेगी। और यहाँ की मेट्रो भी आती हुई मॉरीशस, जमीन में ये मेट्रो ट्रैक भी है और जमीन में ये रोड भी है दगड़ियों, और यहाँ पर है। तो ये रहा मेट्रो ट्रैक, ये देखो दगड़िया है मेट्रो ट्रैक। इस पे मेट्रो चलती है, इसी पे गाड़ियाँ भी चलती हैं। तो गणेश चतुर्थी की एक बार सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए हर जगह पर आज गणेश जी, गणेश भगवान जी की फोटो के लगी है, बैनर लगे हुए हैं। अभी सुबह के बज चुके हैं 7, तो अभी सारी दुकानें बंद है यहाँ पे। 8 बजे सभी दुकानें खुलेंगी। और एक बार फिर से मेट्रो जाती हुई, ये देखिए गाइस। और अब मैं यहाँ से लूँगा बस बागाटल के लिए। मैं पहुंच गया हूं बागाटेल बस स्टॉप, अब मुझे यहां से जाना आगे सितार में। और जेंटलमैन खड़े हैं जो मॉरीशस से बिलोंग करते हैं, देखिए अम्ब्रेला के नीचे हैं और इनके पास है ढोलपुरी, तो मैं खाऊंगा ढोलपुरी। मुझे 2 रोटी दे दो, चिल्ली मीडियम स्पाइसी और उसमें अचार मत डालना, ठीक है। तो जो यहाँ का बेस्ट मॉरीशस जो रोटी है, देखिए यहाँ दे रहे हैं रोटी है मस्त, ये यहाँ का बेस्ट फेमस फूड है, बहुत बढ़िया। दो लगा दो। हिंदी बोलते हो ना? हाँ थोड़ा थोड़ा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जी जी जी। और कितने सालों से यहाँ पर आप हो? 10 साल से ऊपर। ये ढोलपुरी बेचते हो यहाँ पे? क्या बात है, बहुत बढ़िया। हिंदी यहाँ सीखे या फिर आप इंडिया से हैं? इंडिया से है, मॉरीशस में है। अच्छा, पहले इंडिया से थे? नहीं नहीं, आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा? दादा इंडिया से है। कहाँ से? इंडिया, पाकिस्तान है। पाकिस्तान। अच्छा, आपको मॉरीशस में कितने साल हो गए? हो गया 50 साल से ऊपर, लगभग 50 साल से ऊपर आपकी फैमिली को? हाँ, 50 साल से। तो दगड़ी देखिए, यहाँ पर अंकल जी जुड़े हैं जिनको 50 साल से ऊपर हो गया मॉरीशस में, और यहाँ पर अपना रोजगार करते हैं, ढोलपुरी सेल करते हैं मॉरीशस में। और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जब भी आप बागाटेल बस स्टॉप आते हैं तो सामने इनकी एक छोटी सी एक इसमें अरेंजमेंट करते हैं, ढोलपुरी रोटी अचार पीमा पिकल्स, तो बहुत अच्छा लगा। मैं आपके पास पहली बार आया इसलिए मैंने आपका आज इंटरव्यू लिया अपने चैनल के माध्यम से। जो रोटी देते हैं आप, एक पीस कितने रुपए का है देते हैं मॉरीशियन? 15 रुपए।
15 रुपीज़। तो दगड़ियों सबसे मजे की बात क्या है, मॉरीशस में भी रुपीज चलता है, जैसे अपने इंडिया में रुपया चलता है तो यहाँ पर रुपीज चलता है दगड़ियों। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो अंकल जी, आप डेली कितने पीस लाते हो ढोलपुरी रोटी के? 200 डेली, 200 पीस। Yeah. तो घर पे ही बनाते हो? घर भी, हाँ घर। जैसे कि आप यहाँ से शाम को जाओगे, आप ये कितने बजे जाओगे यहाँ से? जैसे आपका 6:30 बजे, फिर 6:30 बजे तक ये चलता रहेगा या बीच में और आएंगे ढोलपुरी? नहीं नहीं नहीं, बस 6:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद आप कल आओगे ना? कल मॉर्निंग में फिर आओगे? कल मॉर्निंग। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। 7:30 बजे, हाँ जी, 10 बजे फिनिश। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ, ठीक है। नाइस टू मीट यू। तो दगड़िया पहुंच चुका हूँ सितार बागाटेल, और अब यहाँ से हमें जाना है मौका, और हमारी टीम आने वाली है, अभी पहुंच ही रहा हूँ मैं। और मौसम अब बज चुके हैं 7:30, तो अब मौसम धूप भी खिली हुई है, और ये है बागाटेल, इतनी अच्छी बेहतरीन पार्किंग एरिया है यहाँ पर। तो अभी सुबह सुबह का टाइम, पार्किंग पूरी खाली पड़ी है, 10 से 12 बजे के अंदर अंदर फिर पार्किंग एक बार फिर से फुल हो जाएगी। और सामने इतना बढ़िया पेड़ है, खूबसूरत बेहतरीन पेड़ है, जिसकी छाँव में सभी यहाँ पर बैठते हैं। तो दगड़ियों, अब हम जा रहे हैं मौका, जहाँ पर एक कंसर्न है आज बहुत बढ़िया। तो ये हिमांशु सर की गाड़ी में हूँ, और अभी हमने थोड़ी गाड़ी रोकी, कुछ सामान ले रहे हैं शॉप से। दगड़ियों, मैं हूँ अभी मौका में। तो हमारे यहाँ पर 3 कंसर्न लगे हैं, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर है थाई फूड, यहाँ पर है चाइनीज 88 फूड, और यहाँ पर है सितार का खाना, इंडियन फूड। क्या कटिंग कर रहे हैं, बेहतरीन कटिंग कर रहे हैं, बेहतरीन कटिंग कर रहे हैं यार। देखो दगड़ियों, मोरेश की ककड़ी ऐसी होती है। तो रेडी हो चुका है, अभी है मौका में, मस्त है। यहाँ पर मिस्टर शंडी भी हैं सर, आए हुए हैं, और कंसर्न पूरा रेडी है, थाई और 88 का और सितार का। पनीर, राइस एंड फिश एंड बटर चिकन, साथ में समोसे और जलेबी। दगड़ी, यहाँ बन रहे गर्मा गर्म समोसे, मस्त। देखिए, हमारे साथ हमारे शेफ लोग आए हैं, जो चंदन जी बिहार से। चंदन जी, आप बताओ, आप भी बिहार से? क्या बात है, यहाँ पर कंसर्न लगाया है मौका बागाटेल, और एक बन रहे मस्त समोसे एकदम। मैनी शेफ हमारे, देखिए बहुत बड़े कंसर्न चल रहे हैं यहाँ पर मॉरीशस में, बहुत भीड़ है। अभी लंच का टाइम हो रहा है, टाइम हो गया 3 बज गए, और यहाँ पर मस्त शेफ जो है हमारे 88 के शेफ हैं, और उसके बगल में जो है वहाँ पर थाई के शेफ। गुड, वेरी गुड। अगले दिन के बज गए हैं, 3 बज गए हैं, और धूप की धूप खिली हुई, बहुत मस्त। आज मौसम ने भी बहुत शांति है, और यहाँ लगा है बहुत मौका में बहुत बड़ा कंसर्ट। तो दिखाते हैं आपको चारों तरफ का नज़ारा, और सामने थाई फूड, देखिए कितना क्राउड है यहाँ पर 88, और वहाँ पर है सितार म्यूजिक, मस्त एकदम। बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं पहली बार आया हूँ कंसर्ट में, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारा सितार का स्टाफ 5-6 लोग, हम सितार से हैं, 7-8 लोग हैं थाई से, 7-8 लोग हैं 88 से, और मिस्टर शंडी सर से भी मुलाकात हुई यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पहला एक्सपीरियंस है कंसर्ट का, मतलब आउटडोर थाई में। और ये हमारे शेफ हैं यहाँ पर, हाई शेफ, हाउ आर यू? गुड गुड। क्या कर रहे हो, वीडियो में लेगा तुमको? मस्त जलेबी बन रही है, देखिए गाइस, वाओ शेफ, एक नंबर जलेबी, 4, 8, 12, 15, एक बार 15 पीस बन रहे हैं, मस्त जलेबी। और यहाँ पर शेफ हमारे जो बिहार से हैं, स्पेशली यहाँ बुलाए गए हैं मॉरीशस में। कैसा लग रहा है आपको, कितने महीने हो गए यहाँ? यहाँ पे 1 साल हो गया। मन लग गया ना एकदम? क्या बात है। और यहाँ पर देखिए, ये देखो जलेबी गर्मा गर्म, मस्त। तो आज बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि कंसर्न में आ रहा हूँ मैं, सितार 88 भाई, पूरे जितने भी हमारे आउटलेट में सबके यहाँ पर कंसर्न लगे, बहुत मजा आ रहा है। चिकन 65, कढ़ाई पनीर एंड पुलाव, वेजिटेबल पुलाव एंड मालाबारी फिश करी एंड दगड़िया, ये है बटर चिकन। कहाँ से? उत्तराखंड से। पहले दुबई में थे? कितने पहले दुबई में? 7 थे। दुबई में। यहाँ पर है भतीजे हमारे कबीर, और ये भी मौका बागाटेल में आज आए हुए हैं, बहुत मस्त यहाँ पर कंसर्ट लगा हुआ है। तो यहीं पर कबीर सर, देखो कैसे लग रहा है, कैसे हो, ठीक हो? चाचा वीडियो बना रहे हैं ब्लॉग। तो 4 बज चुके हैं शाम के, और मैं अभी हूँ मौका बागाटेल, अभी फंक्शन चलता हुआ, मे बी 10 बजे एंड होगा, कोई पता नहीं अभी तक, चल ही रहा है मस्त। और लंच भी हो चुका है, दाल राइस, और व्यू बहुत बढ़िया है। प्रदीप जी को जय हो। अभी हम कहाँ हैं, एक फूड फ्रेंच, यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है मौका, पूरे जितने कानी के अलग आउटलेट है, हमने भी अपने 3 आउटलेट डाली है यहाँ पे,
गोइंग क्या कहते हैं, गोइंग व्हाट भाई, जब बस चल रहा है और हम पिज्जा खा रहे हैं दूसरे उसका। ये कौन सा वाला पिज्जा है, ये बेसिल कौन सा वाला पिज्जा है, मार्गरिटा विद बेसिल एंड इट्स लवली। हमारा बच्चा वहाँ किसी गोद में खेल रहा है और ये हम इंजॉय कर रहे हैं। और भाभी जी यहाँ पर है और प्रदीप जी हमारे गाँव से ही है माशाल्लाह। Hi sir, how are you? Good and you? Very good. What is this? Tomok. Tomok. Small prawns, chicken. What is this? Peanut sauce. Peanut sauce. What are you making here? What is this? Let. Tomok. Tandoori chicken. What? तीन नज़ारा शाम का बज चुके हैं, छः बजने वाले हैं और चारों तरफ कंसर्ट लगा हुआ आज मौका भागा टेल में बहुत। तो मैंने सोचा एक बार एक झलक और दिखा दूँ आपको इवनिंग का व्यू, और हल्के हल्के बादल भी हैं, सनसेट सन मतलब धूप तो है नहीं, अंधेरा होने वाला है कुछ देर के बाद। मस्त ये देखिए यहाँ पर लेस के फ्लैग लगे हुए हैं, लेस मस्त करके। अब तो सामने बहुत बड़े लग रहा है, मज़ा आ गया। अभी है मिड नाइट का व्यू, इतने लोग आए हैं अभी, गजब ये देखिए बेहतरीन नज़ारा। शाम का व्यू किचन का, टाइम हो गया 7:30 बज गए हैं, ये हमारे चाइनीज शेफ हैं और क्या भीड़ है देखिए, पूरे काउंटर पूरे बहुत भीड़ है, वेरी बिजी गाइस, बहुत बिजी है, बहुत बिजी। Ça continue ce soir jusqu'à 22h, on vous l'a dit. Vous pouvez aussi visiter votre stand. Il y a des khane yahan par aaj. Indian, Chinese, Thai, Conti aur kam se kam 10 prakar ke sweet. Apne rasgulle. Aur totally aaj wali feeling aayi yahan par India wali khane mein yahan par. क्योंकि आज थी गणेश चतुर्थी, इसलिए यहाँ पर आज इतना बड़ा महोत्सव था, हर अपने अपने कंसर्ट लगाए थे लोगों ने, इतनी बहुत ज़्यादा पब्लिक भी थी, मज़ा आ गया कुल मिला के। और तब लगड़ियों अगर नए जुड़े हो ब्लॉग में, इवन मॉरीशस से या इंडिया से आप ब्लॉग देख रहे हैं या मॉरीशस से ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्रदीप पहाड़ी ब्लॉग, और ऐसे ही मैं मॉरीशस से आपको अच्छी अच्छी वीडियो लेके अच्छी अच्छी वीडियो दिखाते रहूँगा। चलो फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो के साथ, नए दिन के साथ, आपका प्यार स्नेह ऐसा मिलता रहे प्रदीप पहाड़ी ब्लॉग में। तो गाइस थैंक यू, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।